और देखिए यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उत्तराखंड स्थित सिलक्यारा टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में संचालित रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर बधाई देते हुए उत्तराखंड सरकार का भी हार्दिक धन्यवाद किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के श्रमिक भी उसमें शामिल थे। आपको बताएं कि सदन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या निजी कंपनियों को खरीदवाया। मैं कहना चाहता हूं कि खेती के उपकरणों पर जीएसटी 12% से 18% है। क्या डबल इंजन की सरकार किसानों की मदद के लिए जीएसटी कम करेगी या अपने खजाने से किसानों को सुविधा देगी। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 26,000 उपचार की सुविधा दिलाने की व्यवस्था करना। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप ईस्टर्न यूपी से चलकर के नेपाल की तराई से लेकर के सहारनपुर तक देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। अगर आप बरेली और बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो ये क्षेत्र मलेरिया से ज्यादा संक्रमित रहता था। वाराणसी से लेकर के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर होते हुए अगर आप फिरोजाबाद, आगरा तक पहुंचेंगे तो यह पूरा क्षेत्र डेंगू से प्रभावित है। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यह क्षेत्र चिकुनगुनिया से प्रभावित है। बिहार से सटे हुए जो हमारी सीमाएं हैं वहां पे हम देखेंगे तो कालाजार इन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी रूप में देखने को मिलता था। और सरकार के द्वारा जो समन्वित प्रयास किया गया है, आपने केवल डेंगू की चर्चा की, बीमारी डेंगू पूरी तरह नियंत्रण में है, सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदमों का परिणाम था। एक प्रकार का फ्लू हो गया है, फ्लू है, आता है, इसका एक अपने अपना एक साइकिल इसका होता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो सदस्य यहां पे प्रश्न उठा रहे थे, आप एक बहुत सीनियर सदस्य हैं, वो तो जब चिल्ला रहे थे तो मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही थी, रविदास मल्होत्रा जी की। उसको आपने जो